महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार एकनाथ शिंदे गुट ने सीधे मातोश्री में सेंध लगाई है। शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे और ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री में लगभग 3 दशकों तक सेवा देने वाले चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। चंपा सिंह थापा शिवसेना के संस्थापक के विश्वस्त थे और उन्होंने बाला साहब ठाकरे की लगभग 27 साल तक सेवा की थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने थापा की सेवा को स्वीकार करते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी उन्हें अपने साथ रखा था। चंपा सिंह थापा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कितने करीबी थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे के लिए फोन वही उठाते थे और जो भी उन्हें कॉल करता था उसका संदेश बाला साहब ठाकरे तक पहुंचाते थे। मातोश्री में 35 साल गुजारने वाले चंपा सिंह थापा के साथ ही राजे भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी अगुवाई वाले गुट में थापा और राजे का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। थापा और राजे ने नवरात्रि के मौके पर एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थामा और उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि थापा और राजे बाल ठाकरे की छाया की तरह थे और दोनों के उनके गुट में शामिल होने से उत्सव का सुखद वातावरण और बढ़ गया है। शिंदे ने कहा कि दोनों ने उनके गुट में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवसेना संस्थापक तथा हिंदुत्व की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे यहां भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने से नहीं चुके और कहा कि बाला साहेब साफ बातें किया करते थे, लोग बाला साहेब को अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए राजे और थापा ने महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस और रंकापा के साथ शिवसेना के गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों खेमों के बीच जारी सियासी खींचतान में उद्धव ठाकरे को हाल ही में थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी जब हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली के लिए उद्धव गुट को अनुमति दे दी थी, लेकिन अब 3 दशक पुराने सहयोगियों का साथ छोड़ना उद्धव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे कोई बड़े राजनीतिक चेहरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी शिंदे गुट इसे अपनी बड़ी सफलता मान रहा है।